तो चलो अब हम लोग अपना पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला कमांड, ठीक है? तो आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एंड आर यू रेडी फॉर द कमांड? तो वी विल ट्राई आर फर्स्ट कमांड। तो देखो पहला कमांड है अपना डी आई आर कमांड, ठीक है? अब डी आई आर क्या करता है यार? देखो डी आई आर, देखो तुम्हें ना, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ठीक है? पहले मैं तुम्हें समझा दूँ कि डी आई आर कमांड करेगा क्या, ठीक है? थोड़ा लैग ही हो रहा है। तो जैसे डी आई आर जैसे कमांड क्या किया कि, तो भाई देखो मेरी इतनी फाइल्स, जैसे देखो ये सी में रखी हुई है, ठीक है? तो भाई मैं ये ऐसे चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरी इतनी फाइल्स हैं सी में, पर भाई मुझे अगर कोई बोले कि भाई तुम डॉस के थ्रू बताओ कि भाई तुम्हारे सी ड्राइव में या सी डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं, तो भाई मैं डायरेक्ट डॉट डी आई आर कमांड, मतलब डी आई आर का जो कमांड मैं इस पर दूंगा। एंड यू कैन सी कि भाई ये क्या कर रहा है कि मेरा सी यूज़र मृणाल देवनर, जो मेरा जो डेस्कटॉप वाला है उस पर ही ओपन करके दे दिया। तो देखो डी आई आर कमांड जैसे क्या करेगा, जैसे मान लो कि मैंने भाई इसको यहाँ पे खोला, ओपन एंड टर्मिनल, इसकी पाथ पहले देखो क्या है, सी यूज़र्स मृणाल देवनाथ वन ड्राइव डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है भाई? डेस्कटॉप ये है अपनी, देखो डेस्कटॉप भाई क्या है, डेस्कटॉप अपनी ये पूरी जो देख रहे हो यहाँ, जितने भी ऐप्स एंड जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ये सब डेस्कटॉप पे आता है, ठीक है? तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे जो डेस्कटॉप है उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं और क्या क्या चीज़ हैं, तो वो पूरे अच्छे से बता देगा। जैसे मैं इस कमांड के थ्रू वो बहुत अच्छे से वो बता देगा। जैसे क्या है, डी आई आर लिख के मैं अगर डी आई आर लिख के अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंड यू कैन सी ये लास्ट राइट टाइम एंड ये टाइम के सहित मेरा पूरा भाई पूरी एक हिस्ट्री बता दिया कि भाई ये कब बनी थी फाइल, मोड क्या है इसका, एंड लेंथ क्या है इसकी, तुम देख सकते हो लेंथ क्या है, एंड नेम क्या है फाइल के। अब जैसे मैं तुम्हें जैसे दिखाऊँ, अगर मैच कर रहा हूँ तो सबसे पहले दिस पी सी आया, तो दिस पी सी तो भाई दिखाया नहीं। तो दूसरा क्या है, सेकेंड राउंड बी सी ए डॉट पी डी एफ, तो ये देख सकते हो सेकेंड राउंड बी सी ए। ये पता है ये एक्सटेंशन के साथ भी तुम्हें दे देगा, मतलब कि एक्सटेंशन भी लास्ट में लगा के देगा, ठीक है? जैसे ये एनी वॉच डॉट टी ओ डॉट एल एन के, तो ये एक लिंक वाली है, मतलब कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये क्रोम में खुलेगी डायरेक्ट, ठीक है? तो ये एक एनी वॉच की है। एंड वैसे ही ये कैनवा भी, ये नीचे कैनवा, ये असल में ये ऑर्डर जो हुआ है, ऑर्डर पेयर में ये सॉर्टेड, मतलब कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में ये हुआ है, इस वजह से तुम देख सकते हो पहले ए से स्टार्ट हुआ, देन सी आया, देन सी, जैसे डिक्शनरी में जैसे काम करता है। जैसे ये कोड ब्लॉक्स डॉट आई एन के है, तो कोड ब्लॉक से ये भी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद पाइथन न्यू नोट्स वगैरह वगैरह, न्यू नोट्स तुम देख सकते हो ये रहा। एंड एच डी डॉट टी एक्स टी, एच डी डॉट टी एक्स टी, मतलब देखो ये बताएं ये शॉर्टकट। उसके बाद जितनी भी तुम्हारे एप्लीकेशंस जो इनबिल्ट नहीं है, इनबिल्ट यानी कि भाई देखो जैसे दिस पी सी हो गया, एंड रिसाइकल बिन, ये सब इसमें नहीं शो कर रहा, जो तुमने इंस्टॉल किया है एंड जिसको तुम सेव कर रहे हो, उन सब की पूरी हिस्ट्री दिखा देगा, लोकल हिस्ट्री, ठीक है? तुम समझ गए होगे। अभी जैसे अगर एक और कमांड है, एंड जो अभी जो नेक्स्ट जो कमांड आ रहा है उसमें हम लोग ये पहचानेंगे भी, मतलब वो अप्लाई करने के बाद हम लोग डी आई आर को और अच्छे से समझ सकेंगे। मतलब समझ रहे हो तुम, अगर हम लोग आगे वाला कमांड पढ़ेंगे तो पीछे वाला और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि भाई देखो डॉस हर चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है? मतलब कि अगर भाई तुम एक कमांड को डाले, मतलब कमांड वन को डाले, देन तुम कमांड टू को डाल लो, ठीक है? तो कमांड टू में कमांड वन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो और अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है? दूसरा कमांड है वो है अपना सी डी कमांड। सी डी इज़ यूज फॉर चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, आर भाई देखो चेंज डायरेक्टरी है, अब इसको एंटर मत कर लेना क्योंकि भाई ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? चेंज डायरेक्टरी का भाई शॉर्टकट एक है सी डी, ठीक है? सी डी है चेंज डायरेक्टरी, देख रहे हो? जैसे सी डी मैंने डाला, कोई एरर नहीं आया, वो मेरी बेस फाइल, मतलब बेस पाथ मेरा आ गया तुरंत, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे सी डी, देखो क्या करता है ना चेंज डायरेक्टरी, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो ये मैंने अपना फाइल अपना खोला, ठीक है, फायर एक्सप्लोरर पूरा खोला, देन दिस पीसी पे मैं गया, एंड अब देखो मैंने सी डी अप्लाई किया, सी डी अप्लाई करके मैं चेंज डायरेक्टरी, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं डी पे जाऊँ, ठीक है? डी वाले फाइल पे जाऊँ, एंड डी वाले फाइल पे जाने के बाद भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ये एनिमेशन वाले फोल्डर पे जाऊँ एंड इसको चेकआउट करूँ। पर देखो भाई मैं ये ऐसे तो चला गया बहुत अच्छी तरीके से, समझ में आ गया मुझे, पर भाई जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो भाई उसमें भाई इस तरह से भाई तुम्हें इंटरफेस नहीं मिलता, उस समय भाई तुम्हारे सामने भाई ये टर्मिनल ही चलेगा एंड तुम्हें जो भी काम करना है टर्मिनल पे करना है। जैसे कि अभी मैं अगर दिखाऊं, कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई तुम्हें एनिमेशन के फोल्डर पर जाना है, एनिमेशन के फोल्डर पर जाना है थ्रू टर्मिनल,
ठीक है, थ्रू सीएमडी डॉस पे कमांड देना है, एंड उससे तुम जाओ तुम्हारे एनिमेशन के फोल्डर पे। तो मैं कैसे जाऊंगा, सीडी डी कोलन फिर एक बैक स्लैश, देन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एनिमेशन, एंड यू कैन सी ये फाइल का पाथ आ गया, डी कोलन बैक स्लैश एनिमेशन, ठीक है, एंड एक ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे काम किया, अगर मैं इसी को पेस्ट कर दूँ, देख जैसे अगर मैं ये इसको कॉपी करूँ एंड फाइल एक्सप्लोरर पे मैं अगर जाऊँ, ठीक है, सॉरी टंग ट्विस्टर आ गया, फाइल एक्सप्लोरर पे मैं जाके अगर मैं ये इस पे जाके मैं अगर पेस्ट कर रही उसे, तो देखो वो एनिमेशन का ही फोल्डर खोलेगा। ये देखो एनिमेशन का ही फोल्डर खोला, देख रहे हो किस तरह से काम कर रहा है, एनिमेशन का ही फोल्डर खोला, एंड एनिमेशन का फोल्डर खोल गया। तो सुनो सबसे पहले तुम ये काम करो, कोई तुम एक डायरेक्टरी बनाए हो, ठीक है, पहले सबसे पहले तुम सीडी करो चेंज डायरेक्टरी डी पे जाओ, ठीक है, या फिर जो भी तुम्हारा डिजायर्ड नेम होगा। जैसे कुछ कुछ डायरेक्टरीज पे जैसे क्या रहता है, जैसे मेरे पे देखो सी जो रहता है वो तो भाई सबके पे रहेगा, कुछ के में डी रहेगा या फिर ई रहेगा, ठीक है, तो तुम सी डी ई कर लो, और कोलन ज़रूर देना, कोलन देना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी को देख रहे हो, जैसे ये देख रहे हो जो जो नेम होगा, जो जिस नेम से भाई वो फाइल सेव है, यानी कि जिसके बेस नेम से वो फाइल सेव है, उसका बेस नेम तुम्हें ज़रूर डालना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना ही अपर लेटर ना लोअर लेटर, कुछ नहीं है, सब होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा अगर चीज़ हुआ तो भाई तुम्हारा सिस्टम नहीं काम करेगा। जैसे अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तुम्हें कि अगर मैं ऐसे देखूँ सी डी डी, तो भाई देखो ये नहीं काम कर रहा, देख लो काम किया नहीं किया, एकदम नहीं किया। सी डी डी अगर फिर से करूँ तो डी एनिमेशन वाला दिखा दिया, बट सी डी डी अगर कर दूँ तो कोलन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, काम नहीं करने वाला। अभी मैं इसको फिर से एग्जिट करता हूँ, एंड अब एक बार और मैं अगर टर्मिनल खोलूँ, अभी मैं फिर से अभी एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। अपने बेस पे आए, बेस पाथ मेरा ये है सी यूज़र मृणाल देवनाथ वन ड्राइव डेस्कटॉप वगैरह वगैरह। अब हम लोग यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं, एंड इस बार तुम भी अप्लाई करना मेरे साथ। हम देते हैं सी डी, सी डी इज़ फॉर चेंज डायरेक्टरी, देन डी एक बैक स्लैश, ठीक है। अब हम एनिमेशन का फोल्डर फिर से खोलना चाहते हैं, तो एनिमेशन की स्पेलिंग एकदम सही से, देखो मैंने मेरा जो फोल्डर था, मेरा एनिमेशन फोल्डर था, मतलब जिस नाम से मैंने सेव किया था, देख लो स्पेलिंग एकदम मैच करना तुम कि भाई सही है कि गलत है, पूरी एकदम एक से एक पूरी स्पेलिंग एकदम अच्छे से मैच करना, एक मिनट, ठीक है, हो गया, ये लो तुम मैच करो स्पेलिंग, ANIMATION एनिमेशन, ठीक है, इस पर भी ANIMATION, ठीक है। अगर अब दे दूँ अगर मैं, तो दिए देखो आ गया, और अब यहाँ पे देने के बाद मुझे भाई देखना है कि भाई मेरे एनिमेशन फोल्डर पे कितनी और कौन कौन सी फाइल सेव है। तो भाई इसके लिए क्या करना है, अभी पहले ही बताया था क्या करना रहता है, सिंपली बस DIR डायरेक्ट, एक और डायरेक्टरी, एक तुम्हें एक पूरी लाइब्रेरी खोल के दे देगा, डिक्शनरी टाइप इंफॉर्मेशन पूरी दे देगा। ये देखो एंटर किया, एंड दिस यू कैन सी वन वीडियोज़ एंड 01s.png 0SSS.png 1.zip 2.mp4 एंड पूरी फाइल दे दिया। तुम देख रहे हो ना किस तरह से ये काम कर रहा है, एंड इसके टाइम लास्ट राइट टाइम भी इसकी दे दिया कि मतलब ये लास्ट टाइम कब इसको रीराइट किया गया था, या फिर ये कब मैन्युफैक्चर, यानी मतलब कब ये यहाँ पे सेव हुआ, जैसे MS-DOS-icon.png। अब तुम देख सकते हो पूरी चीज़ तुम्हें दिख गई है यहाँ पे, पूरी चीज़ तुम्हें दिख गई है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो